शर्लिन चोपड़ा, ये नाम काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है लास्ट कुछ महीनों से, जहाँ ये आए दिन कुछ ना कुछ विवादों के साथ और आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ों के साथ सुर्खियों में आती रहती है। लेकिन इस बीच मैं आपको एक बड़ी खबर लेकर आई हूँ शर्लिन चोपड़ा के बारे में, जिन्होंने लास्ट डे पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से एक स्टेटमेंट दिया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि एक अनजान व्यक्ति ने उसके साथ एक इन्वेस्टर के नाम पे सामने आता है और उनके साथ बहुत ही बदसलूकी करता है, यहाँ तक कि उनके साथ छेड़खानी भी की है। और शर्लिन चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की पूरी जानकारी देते हुए पुलिस में भी इस बात की कंप्लेंट की है। क्या है पूरा मामला, आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पे। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूस, मैं हूँ आपकी दोस्त और इशो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूं कि शर्लिन चोपड़ा बिग बॉस के हाउस में भी दिखी हैं, इसके साथ साथ शर्लिन चोपड़ा रिसेंटली राखी के मुद्दों पे भी अपना पॉइंट रखते हुए नजर आई हैं, और जिस वजह से दोनों के बीच में आपसी मतभेद भी हुआ था, लेकिन कुछ महीनों के बाद दोनों ने सुलह करके एक दूसरे के साथ एक अच्छा बॉन्ड, एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, शर्लिन चोपड़ा ने रिसेंटली आउट ऑफ इंडिया गई थी किसी काम से, जब वो इंडिया लौटी तब शर्लिन चोपड़ा के मैनेजर ने उनसे कहा कि मैम आपसे एक इन्वेस्टर मिलना चाहता है जो आपकी आपके न्यू म्यूज़िक वीडियो में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो मैं उनको मिलने के लिए आपसे बुला दूँ। शर्लिन चोपड़ा ने एक टाइम फिक्स किया और उस टाइम के मुताबिक वो उनसे मिलने की गुजारिश की है। इसके साथ ही शर्लिन चोपड़ा जब उस इंसान से मिली, उस इंसान का नाम था सुनील लोधा, और इस दौरान सुनील ने जब इनसे मिला, जब शर्लिन से सुनील मिला, यानी कि वो बिजनेसमैन जिसने शर्लिन चोपड़ा के साथ बदसलूकी की है, वो जब मिले तब उसने शर्लिन को देखते ही उसकी तारीफ़ के पुल बांधने शुरू कर दिया। शर्लिन की इतनी तारीफ़ें करने लगा वो, और उनको ये भी कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं आपकी किसी काम आ पा रहा हूँ, और तो और मैं आपके म्यूज़िक वीडियो में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और शर्लिन चोपड़ा ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए बिना पहले कोई टोकन चेक लेते हुए उन्होंने मुंबई के एक लोकेशन पे उन्होंने एक हिप हॉप म्यूज़िक शूट किया, और जैसे ही म्यूज़िक वीडियो ख़त्म हुआ दोपहर के बज रहे थे 12:30, और उस दौरान उन्होंने जब सुनील ने जब उनको एक चेक ऑफ़र किया तब उन्होंने उस टाइम पे शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि मैं इतने कम पैसे चार्ज नहीं करती हूँ, मेरा एक म्यूज़िक वीडियो का चार्जेस 15-20 लाख रुपीज़ होते हैं, आपका आपने जो मुझे दिया है ये नहीं होगा, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। तब कहीं ना कहीं इस बात को मैनेज करते हुए सुनील लोधा ने, यानी कि उस बिजनेसमैन ने जिसने शर्लिन के साथ बदसलूकी की है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है आप अभी के लिए ये रख लो, मैं बाकी के पैसे थोड़े कुछ टाइम के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, यहाँ तक कि उसने अकाउंट डिटेल भी शर्लिन से ले लिया। इसके साथ ही उसने बोला ठीक है चलेगा। फिर वहाँ से जब वो निकलने के लिए निकल रहे थे तब सुनील लोधा ने ये कहा कि मैंने कैब लाया नहीं है, तो क्या आप मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर लोगे? इसके साथ से शर्लिन ने कहा कि क्यों नहीं ज़रूर, और शर्लिन ने अपने ड्राइवर से कहा पहले मुझे ड्रॉप कर लो, उसके बाद आप इन्हें इनके घर तक ड्रॉप कर लेना। दोनों साथ में गाड़ी पे थे, और जैसे शर्लिन का घर आता है तब उस बिजनेसमैन सुनील ने ये कहा कि क्या मैं आपका घर देख सकता हूँ? अभी ऑब्वियस की बात है, शर्लिन जिसके साथ काम कर रही हो उनको अपने घर पे कैसे इनवाइट ना करें। शर्लिन ने उसे अपने घर पे इनवाइट किया, और सिर्फ घर पे इनवाइट ही नहीं किया बल्कि मेहमान नवाजी जिसे कहते हैं, जिसको पानी के लिए खाने के लिए पूछते हैं, शर्लिन ने वो भी कहा। और फिर उस इंसान ने ये कहा कि मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ तो मैं वेज खाना ही खाऊँगा। शर्लिन ने कहा कि मैं उसने उसके लिए खास खाना मंगवाया बाहर से, उसने बराबर खाना खाया और उसके बाद वो काउच पर जाकर बैठ गया, और फिर मैं भी उसके साथ जाकर बैठी तो उसने बहुत ही गलत वे से मेरे सीने को टच किया। जी हाँ, शर्लिन ने ये कहा कि उसने मेरे चेस्ट को टच किया, और तो और जब मैंने उसको ये कहा कि मुझे जिस पसंद नहीं है, तो सुनील ने कहा कि माफ़ कीजिएगा लेकिन आप बहुत हॉट हो, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। तब शर्लिन ने कहा कि मैं हॉट ज़रूर हूँ बट पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। इतना ही कह के शर्लिन वहाँ से उठती है और अपने ड्राइवर को कहती है कि इनके लिए कैब बुक कर लो, और ताकि ये चले जाए वहाँ से, और शर्लिन इतना कह के अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। उस दौरान सुनील उनका पीछा करते करते उनके रूम तक जाते हैं चार्जर लेने के बहाने। इतना ही नहीं, चार्जर लेना तो सिर्फ एक बहाना था, शर्लिन के कमरे में वो घुस जाते हैं और वहाँ पे भी शर्लिन के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। शर्लिन बहुत बौखलाई हुई नज़र आई है, और उस दौरान उसने फटाफट से अपने मैनेजर को कॉल किया, लेकिन उनके मैनेजर ने उस वक्त उनका टाइम पे कॉल रिसीव नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि शर्लिन ने ये कहा कि कल मैं अपनी टीम के साथ इस बारे में मीटिंग करूँगी कि आपके साथ जो मैंने म्यूज़िक वीडियो की है इसको कंटिन्यू रखना है या रिजेक्ट करना है, ना मुझे आपका कोई ऑफर चाहिए, ना मुझे आपका कोई पैसे चाहिए, आप यहाँ से निकल जाइए। तब सुनील ने इस बात पे बहुत ही गुस्सा वाला रिएक्शन दिया, और बदसलूकी जहाँ उसे कर रहा था वहाँ उसने गुस्सा वाला रिएक्शन देते हुए उनके साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की,
और इस बारे में जब शर्लिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे मीडिया वालों को इस बारे में इनकी जानकारी दी, साथ ही पुलिस स्टेशन जाके धारा आईपीएससी की धारा 305 और 306 के तहत इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज किया है और पुलिस इस मामले की जाँच अभी कर रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फीफा फ्यूज़।